और ये वाला थोड़ा ज्यादा बेटर है स्टेबलाइजेशन मामले में। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, उसका अल्ट्रा वाइड ज्यादा है, उसका कम लग रहा है अल्ट्रा वाइड। सैमसंग में मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा है। ओए हाथ में आ गया, तू पागल है क्या? बहुत लेट हो गया यार आज लंच के लिए। कितना बज गया? 3:15। देखता हूँ आज घर पे क्या बनाया। अरे कड़ी पकौड़ा एंड चावल, जिसे हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में भात कहते हैं। तो ये तो हमारा पहाड़ियों में फिक्स रहता है दिन में कि भात और दाल जो भी बनेगा। मैं बहुत भूख लग रही है, खाता हूँ। कड़ी पकौड़ा तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट हो गया, बहुत अच्छा लगता है मुझे कड़ी पकौड़ा खाना। एंड स्पेशली कड़ी कम निकालता हूँ और ये पकौड़े पकौड़े ज़्यादा निकाल लेता हूँ। Hey guys, welcome back to our channel. करो हाय। हाय। ये तो गाइज हम लोग हो गए रेडी। तो दिन के 4:30 बजे, दिन के क्या शाम ही हो गई 4:30 बजे। तो ये वाला व्लॉग मैंने आज बहुत लेट में स्टार्ट किया है। आज हम लोग लेने जा रहे हैं मेरे लिए नया फोन, मतलब हम लोग लेने जा रहे हैं मेरे लिए नया फोन। तुम्हारा भी नया ही है। मैं जो ये फोन यूज करता हूँ, इसको 3 साल हो गए यूज करते हुए। अब ना थोड़ा थोड़ा ये मतलब परफॉर्मेंस में बहुत डाउन जाता जा रहा है और कभी कभी हैंग हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब टाइम आ गया चेंज करने का। ऊपर से मैंने जब से डेली व्लॉग स्टार्ट किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक फोन होना चाहिए स्पेशली जिसमें अच्छा खासा अल्ट्रा वाइड लेंस हो। उस फोन को अपने कलर जैसे लगा के रखोगे ताकि वो बस हल्का सा भी, वो आप तो टच ही नहीं करने दोगे हम लोग? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं फोन का मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे शौक नहीं है। कैमरा से रिलेटेड चीजों का बहुत बड़ा शौक है मुझे, लेकिन फोन का कभी मेरे को इतना शौक नहीं चढ़ा, इसलिए मैंने कभी फोन में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया पैसे। फीचर जो लिस्ट है फोन की, पहले वो देखूंगा कि कौन सा उसमें से है जो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट रहेगा। और ऑनलाइन तो आप नहीं देख रहे हैं? ऑनलाइन नहीं देख रहा हूँ, ऑनलाइन का मेरा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा है, एक बार नहीं 2-3 बार। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अरे यार तो चश्मे पहनने वालों की ना दिक्कत बड़ी है। चलो ये वाला मॉल है जिसमें हम लोग आए, सेक्टर 10 में। इस मॉल के एग्जैक्ट सामने है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो वहाँ पे देखने आपको अच्छी डील मिलेगी। इस मॉल में एक और एक अच्छी चीज है, इसमें डिकैथलॉन खुल गया है तो हमारे घर से बहुत पास है। तो एस सीरीज के साथ जाऊंगा ज्यादा बेटर है सब ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको एक तो गिम्बल कैरी करना नहीं पड़ता और जो फोन का साइज भी आप देख रहे हैं तो थोड़ा हैंडी है। मेरा फोन तो भी थोड़ा बड़ा है। सो गाइस ये दो फोन पसंद आए थे, एक सैमसंग का है A52 और उसी से मिलता जुलता है S20। अब मेरी रेंज में तो वैसे ये आ रहा है जो A52 है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसकी स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। मतलब जब मैं शेक करके देख रहा था वीडियो को, एक बार वीडियो मोड चलाना है इसका, उसको थोड़ा शेक करना। अल्ट्रा वाइड में कर दो, अल्ट्रा वाइड में चेंज कर दो। तो ये शेक जो है A52 में ज़्यादा आ रहा है मुझे, अल्ट्रा वाइड से ही मतलब है क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग के लिए यूज़ करना है। और ये वाला थोड़ा ज़्यादा बेटर है स्टेबलाइजेशन मामले में, बट ये है कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव जा रहा है। मेरी जो रेंज थी वो 40,000 की थी, बट ये है 45,000 का। वैसे है 51,000 का, 6,000 का इसमें कैशबैक मिलेगा क्योंकि मैं HDFC का कार्ड यूज़ करता हूँ और 6 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI हो जाएगी, है ना जी? बिल्कुल। चलो मैं इस पर थोड़ा सोचता हूँ, मेरा मन वैसे ये आ रहा है क्योंकि स्टेबलाइजेशन की वजह से बस, और कोई रीज़न नहीं है। और आपके पास नहीं है ना और कोई नोड है? नोड 2 के अंदर भी अगर आप कंपेयर करते हैं ना सर, वीडियो स्टेबलाइजेशन उनके मुकाबले कर लीजिए। और एक और चीज़ है गाइज, मैंने जो यूट्यूब में बहुत, मैंने कम से कम 15 से 20 वीडियो देखे होंगे इसकी, कि व्लॉगिंग में स्पेशली, बाकी मैं चीज़ें मैटर नहीं करता, व्लॉगिंग में अल्ट्रा वाइड में जाता हूँ जब मैं, तो ये Full HD में 60 FPS पे वीडियो नहीं बनाता। ध्यान रखना कि 30 FPS, और जितने भी 40-50,000 तक के फ़ोन हैं उनमें सब में Full HD अल्ट्रा वाइड मैक्सिमम 30 FPS पे ही कर सकते हो। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। सोच के तो यही आया था कि A52 लेके जाऊंगा, लेकिन S20 FE देख के थोड़ा मन भटक सा रहा है थोड़ा टाइम। तो इस मॉल को तो लगता मुझे कि रिलायंस ने पूरा कैप्चर कर लिया है। रिलायंस डिजिटल है पीछे, ऊपर रिलायंस ट्रेंड्स है और वहाँ पे रिलायंस फुटवेयर है। बट मेरी जो फेवरेट प्लेस है वो है डिकैथलॉन, मतलब उसमें तो मैं जानबूझ के नहीं जाता कभी कभी, क्योंकि कुछ कभी जाता हूँ ना एंटर तो कुछ ना कुछ खरीद के ले ही जाता हूँ, खर्चा हो ही जाता है। हम लोग मॉल आए थे तो दीपक को अपने लिए टी शर्ट वगैरह कुछ लेने थी। यहाँ पे भी ट्रेंड्स भी अभी अच्छे ऑप्शन है, अगर यहाँ पे नहीं मिलता तो एक और प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे हमें ब्रांड्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले ट्रेंड्स में जाके देखते हैं। तो रिलायंस ट्रेंड्स में हमें कुछ ऐसा खास पसंद नहीं आया, ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था वहाँ पे, तो मैंने गेट पे ही बंद कर दिया। तो गाइस A52 के कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 30-40K की रेंज में मैंने 3-4 फोन सेलेक्ट किए थे। उसमें से ये था IQ007, ठीक है, ये बड़ा गेमिंग में पॉपुलर है। एक Vivo V20 Pro, ये भी अच्छे डिमांड में था। पता नहीं शायद ये कह रहे हैं कि ये बंद हो गया, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक ने तो यही बताया, लेकिन ये मेरे को ऑनलाइन मिल रहा है तो हो सकता है पुराना स्टॉक हो, या फिर ये ऐसे ही बोल रहे होंगे क्योंकि इनके पास होगा नहीं। नेक्स्ट है Vivo X60, ये भी नहीं था शायद इनके पास। उसके बाद है Note 2,
एंड वन प्लस 9R, तो ये जो फोन थे मैंने सिलेक्ट किए थे। अभी तक तो यही लग रहा है कि A52 ही, थोड़ा बहुत 19-20 सब में ही होता है, लेकिन ज्यादा A52 मुझे सही लग रहा है। रीजन क्या है कि उसमें एक IP67 वाली जो रेटिंग है वो है कि मतलब कि अगर 1 मीटर तक मैं ड्रॉप करता हूँ कुछ आधा एक घंटे तक, तो मेरा फोन वाटरप्रूफ रहेगा। हालांकि ऐसे करूंगा नहीं मैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी ऐसे पानी वानी जाता है हाथों पे रहता है, यार बारिश में भी यूज करना चाहूँ तो वो ये यूज कर सकता हूँ, तो बस ये एक प्लस पॉइंट है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, वहाँ पे भी एक और बहुत बड़ा स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ पे अच्छी खासी रेंज के मोबाइल दिख जाएंगे, एंड फिर डिसाइड करूंगा कि किस पे जाना। अभी भी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कौन सा लूं, और मेरा मेन फोकस व्लॉगिंग है बस और कुछ नहीं। गाइस हम लोग हैं अभी सेक्टर 13 में, और यहाँ जाना है क्रोमा में, सेक्टर 13 में भी है क्रोमा। इसका मेरे ख्याल से फील्ड ऑफ व्यू भी कम है, उसमें ज़्यादा वाइड दिख रहा है, उसका अल्ट्रा वाइड ज़्यादा है, इसका कम लग रहा है अल्ट्रा वाइड। सैमसंग में मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा है, रिकॉर्ड करते करते ना अल्ट्रा वाइड से नॉर्मल, नॉर्मल से जूम, और मैं स्विच कर सकता हूँ फ्रंट और बैक में भी। ये 9R में चेक किया था, तो 9R में इन तीनों में कर सकते हो अल्ट्रा वाइड टू नॉर्मल, बट फ्रंट एंड बैक में नहीं हो रहा। ये मून देख यार आज कितना साफ लग रहा है, दिल्ली में बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा मून। 3-4 फोन देखे, नोट 2 था नहीं और एक IQ007 था, वो भी नहीं था। वीवो X60 मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा लो लाइट में ना फोकस करने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो वो मेरे को पसंद नहीं आया। जब भी हम लोग बेसमेंट पार्किंग करते ना किसी भी मॉल में, सबसे पहले फोटो खींच लें प्लेयर की, ताकि भूल ना जाए किस जगह पे पार्किंग करी थी हम लोगों ने। भैया थोड़ा सा नेचुरल तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेंट है, मतलब ऐसे सारे कलर ना बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं। अब वो मुझे पता नहीं वो स्क्रीन की वजह से है या क्या है, बट ये वीडियो भी ऐसी बनाता है क्या इन्हीं कलर्स में। तो गाइस मैं देख रहा हूँ अभी कौन सा है, ये Xiaomi Redmi 11X जो 30,000 के अराउंड है, अभी लेटेस्ट आया है। और इसमें वाइड एंगल कितना है, 8 मेगापिक्सल है ना। इसका ना कलर कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, और ये फ़ोन तो डेफिनेटली मैं नहीं लेने वाला। गाइस एक मेरे को बड़ी सही चीज़ दिखी है यार, यहाँ पे ट्राइपॉड देखो, ये मतलब ये परफेक्ट है ट्रैवलिंग के लिए जो मेरे को चाहिए था। फोन भी इसमें कैमरा भी लग जाएगा क्योंकि लग रहा है ये फोन के लिए, ये देखो। बेसमेंट पार्किंग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कौन से लेवल पे गए थे, मुझे तो B2 लग रहा है, बताइए ना फोटो में क्या है ये। ये हमने हल्द्वानी से लिया था, ये रंगोली वाले स्टिकर हैं। तो भाई तुमने निकाला क्यों नहीं इसको पीछे, इसकी रंगोली आपस में चिपक गई हैं। वैसे गाइस हम लोग थे वेगस मॉल, ये सेक्टर 13 में मेरे ख्याल से, ये द्वारका का सबसे पॉपुलर मॉल है। हाथ में आ गया, तो ये ऐसे हाथ में आ गया, पता नहीं क्या हो।
बहुत भूख लग रही थी तो हम लोगों ने मोमोज ऑर्डर कर लिए। हालांकि मैं चिकन मोमोज ही खाता हूँ लेकिन उसको स्टीम करने में टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों ने एक प्लेट वेज मोमोज ही मंगा लिए। बहुत गर्म है, खा नहीं रहे। सही है, थर्ड क्लास मोमोज थे सही में। अगर आप में से बहुत लोग हैं जो मोबाइल से ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो अल्ट्रा वाइड पे ना बहुत फोकस देना अगर आप लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग या फिर ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो। अब कंफ्यूजन आता है, बाकी सारे वीवो ओप्पो वन प्लस एमआई, मेरा मेन फोकस था ब्लॉगिंग और सिर्फ ब्लॉगिंग। उसके लिए मेरे को चाहिए था कि किसकी अच्छी क्वालिटी है, और ना ही मैं नंबर्स में जा रहा था कि नहीं भैया किसी का 60 मेगापिक्सल है किसी का 50 है, नंबर्स में जा रहा सामने रख के कि किसकी अच्छी क्वालिटी है, कौन ह्यूमन स्किन ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रहा है, जो मेन होता है व्लॉगिंग में। आप बताओ कि कौन सा मुझे लेना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ, डिस्कस करूँगा अभी फैमिली के साथ भी कि कौन सा मैं फ़ोन लूँ। हालांकि जब मैं उनको प्राइस बताऊँगा तो बोलेंगे 40,000 का तू 45,000 का फ़ोन ले रहा है, तू पागल है क्या? तो उनका रिएक्शन तो यही रहने वाला है। लेकिन मुझे पता है कि यार कैमरा लेके ना आप हर जगह नहीं जा सकते, बहुत दिक्कत आ रही है, फ़ोन होता है फटाफट निकालो। गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर कमेंट में डालना कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तो मेरे लिए कौन सा सबसे अच्छा फ़ोन रहेगा अल्ट्रा वाइड के हिसाब से सोचने पर पहले बता देता हूँ मैं। और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो।